सोमी जो है उसने एक दीपक के साथ एक एंगल शायद बनाया, एक फेक यू नो उसको पीछे लगाने की कोशिश की, जहां उसको लगा कि अभी दीपक के साथ थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो इमीडिएटली उसने रोमिल को पकड़ लिया। अब ये एंगल उसका तब डिस्टर्ब हुआ जब मेरी और रोमिल की दोस्ती हो गई, और उसने ये स्टेटमेंट दी कि क्या है ये रोमिल जाके जसलीन के पीछे पड़ा रहता है, और दो तीन गालियां निकाली। मैं रोमिल के बारे में ये बात नहीं कहूंगी, बट सोमी के डेफिनेटली कहूंगी, क्योंकि सोमी उसके बेड पे बैठी होती थी और जिस तरह से वो बैठे होते थे वो देखने में मुझे बहुत गंदा लगता था। सोमी की तरफ से अगर आपकी एक गंदी स्ट्रैटेजी है किसी मैरिड आदमी के साथ ऐसे बिहेव करने की या उसको फंसाने की अपने गेम में टिकने के लिए, तो आई वुड से ये बहुत ही गंदी चीज है जो सोमी ने अगर सोची भी है। दोनों एक ही ब्लैंकेट में है और ये उसके ब्लैंकेट में जानबूझ के घुस रही है, मुंह ढक रही है अपना, और दोनों बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इतने क्लोज आ रहे हैं। व्हाई तुम क्यों ऐसी हरकत कर रही हो, किसी का घर खराब कर रही हो? आई डोंट थिंक मेरी इसके बाद उससे बात होगी। सोमी और रोमिल के जिस तरह की बातें हो रही थी, और कहीं ना कहीं सोमी आपसे इनसिक्योर थी, तो काफ़ी सारी बातें ऐसी आईं कि मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, सो रोमिल मेरा अच्छा फ्रेंड है, बट जसलीन अब उसको भी टेक ओवर कर रही है, मेरे कपड़ों को, आपके कपड़ों को लेके कमेंट किया कि मैं इंडियन पहनती हूँ तो अब जसलीन भी कहीं ना कहीं, सो क्या कहोगे? क्या आपको पहले से कुछ पता था ऐसा, या फिर आप जानबूझ के वो आपकी स्ट्रैटेजी थी? मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो मैं वैसी ही घर में थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी गेम में टिकने के लिए। मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, यही थी कि मुझे अपने जैसे ही बिहेव करना, जैसी मैं हूँ, आई जस्ट हैड टू बी माई सेल्फ। रोमिल के साथ मेरी दोस्ती पहले दिन से ही थी, इट्स जस्ट दैट कि मैं शिव से ज़्यादा क्लोज हो गई बीच में, क्योंकि रोमिल हैप्पी क्लब के टूवर्ड्स चले गए, तो ऑब्वियसली वो बातें हम दोनों के बीच में हो नहीं रही थी, तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो यू नो थोड़े से प्रेफरेंसेस हमारे चेंज होने लग गए थे। तो हुआ ये था कि सोमी जो है उसने एक दीपक के साथ एक एंगल शायद बनाया, एक फेक यू नो उसको पीछे लगाने की कोशिश की, उसको हवा दे रही है जानबूझकर ताकि वो पीछे पड़ा रहे नॉमिनेशन से बचने की, मुझे ये लगता है देखकर, हम जितना देख रहे थे गेम में। तो आपने देखा होगा दीपक कैसे सोमी को बार बार बचा रहा है, अपने आप को यू नो नॉमिनेशन में डाल दिया, मतलब आप जनता को इतना अंडर एस्टिमेट करते हो कि आपको नॉमिनेशन में डाल दिया, आप दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे गेम ऑलरेडी मतलब इतने डिफिकल्ट यू नो पड़ाव पे आ गया है। सो जब वो एंगल स्टेल होने लग गया, जहाँ उसको लगा कि अभी दीपक के साथ थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो इमीडिएटली उसने रोमिल को पकड़ लिया। रोमिल को पकड़ के उसने ये सोचा कि अब मैं इससे थोड़े बेनिफिट्स लूंगी, समझ रहे हैं आप? तो जो हम घर के अंदर भी देख रहे थे, आई एम श्योर बाहर भी लोगों ने जो देखा है वो यही एंगल दिखाई दे रहा था। अब ये एंगल उसका तब डिस्टर्ब हुआ जब मेरी और रोमिल की दोस्ती हो गई, जब शिव चला गया। ऑब्वियसली अब मैं घर में अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त है श्री है, तो ऑब्वियसली रोमिल भी मेरा दोस्त था ही, तो वो बात तो होगी। वो एंगल उसका तब मेरी वजह से डिस्टर्ब होने लग गया, और उसने ये स्टेटमेंट दी कि क्या है ये रोमिल जाके जसलीन के पीछे पड़ा रहता है, और दो तीन गालियां निकाली, ये कहा कि मेरे कपड़े कॉपी करने की कोशिश कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ये जसलीन जसलीन करके। मैं उसे इतनी अच्छी दोस्त मानती थी और वही मेरे पीठ पीछे इस तरह की बातें कर रही है जो मुझे अभी बाहर आने के बाद मालूम पड़ी है। इट्स एक्चुअली वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था सोमी की तरफ से, बट ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आके भी मालूम पड़ी हैं, तो I don't think मेरी इसके बाद उससे बात होगी। तो ये क्लियर इनसिक्योरिटी ही है उसकी तरफ से, जहाँ उसके स्ट्रैटेजी को मैं डेफिनेटली डिस्टर्ब करती नजर आई होंगी। अच्छा, घर के अंदर अभी जो फैमिली वीक चल रहा था उसमें भी हमने देखा कि रोमिल की वाइफ घर के अंदर आई थी, और उन्होंने सोमी को जिस तरह से बोला कि तुम तो बिल्कुल छोटी बहन की तरह, तो कहीं ना कहीं बाहर वालों को यही लग रहा है, मतलब स्पेशली अगर रोमिल की वाइफ ने आके उनको ऐसा बोला कि तुम तो छोटी बहन हो, उनके जैसा ख्याल रखती हो, दैट मीन्स कि समथिंग कुछ तो दिख रहा था और कुछ तो उन्होंने बोला। एंड देन सबा भी जब घर के अंदर आए तो उन्होंने बोला कि जो भी है जैसा भी है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो तो वो ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आप क्या कहेंगी? आई एम ग्लैड कि सबा ने ये बात बोली, एंड आई एम श्योर रोमिल की वाइफ जो है उनका छोटा सा बच्चा है, तो अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी भी है सोमी की तरफ से, अगर आपकी एक गंदी स्ट्रैटेजी है किसी मैरिड आदमी के साथ ऐसे बिहेव करने की या उसको फंसाने की अपने गेम में टिकने के लिए, तो आई वुड से ये बहुत ही गंदी चीज़ है जो सोमी ने अगर सोची भी है, क्योंकि उसका 6-7 महीने का बच्चा है, वो मैरिड आदमी है, उसकी बीवी क्या सोचेगी, उसके घर वाले क्या सोचेंगे? आप सिर्फ गेम में टिकने के लिए किसी को इस तरह से मतलब हथियार बना लोगे,
ये बहुत गंदी स्ट्रैटेजी है। आई एम ग्लैड कि उसकी वाइफ ने आके ये बात कही और पूरे कंट्री के सामने सोमी की इंसल्ट हुई है। उसके बाद फिर सोमी ने कैमरे पे देखते हुए बोला कि एक लड़का लड़की ठीक है कभी, मतलब ऐसा कुछ फ्रेंड वाली उस पे वो नहीं हो सकती, अगर इसको पाक नाम देना है तो ठीक है, अगर लोग चाहते हैं तो भाई बहन वाला, क्योंकि उन्होंने तो आप क्या उसके बेड के ऊपर बैठ के आप क्या कर रहे हो एक ब्लैंकेट में, फिर ब्लैंकेट के अंदर जा रहे हो, वो सब क्या हो रहा है? मेरे सामने का बेड उनका है, मैं रोज उनको रात को देख रही हूँ। रोमिल, मैं रोमिल के बारे में ये बात नहीं कहूंगी बट सोमी के डेफिनेटली कहूंगी, क्योंकि सोमी उसके बेड पे बैठी होती थी और जिस तरह से वो बैठे होते थे वो देखने में मुझे बहुत गंदा लगता था, क्योंकि बहुत अजीब सा सीन होता था वो, जहाँ पे दोनों एक ही ब्लैंकेट में है और ये उसके ब्लैंकेट में जानबूझ के घुस रही है, मुंह ढक रही है अपना, और दोनों बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इतने क्लोज आ रहे हैं। आई मीन व्हाई, तुम क्यों ऐसी हरकत कर रही हो, किसी का घर खराब कर रही हो? जी, एंड देन कैमरे पे आके बोलना, फिर सडनली बोलना कि ये पाक रिश्ता है, मतलब किस तरह का पाक रिश्ता जहाँ आपके घर वाले आपको देख के हैरान हो रहे हैं और सोच रहे हैं एग्जैक्टली तो बाहर क्या जा रहा होगा, यू नो। और सडनली अब रोमिल का स्टेटमेंट ये आता है कि सोमी के लिए लड़का ढूंढना है, जहाँ अपनी वाइफ से वो कह रहे हैं कि अच्छा सा लड़का ढूंढो, मतलब आपकी वाइफ ने आके अब ये बात कह दी तो आप सडनली अब इस तरह की बातें होने लग गई। सोमी अब सोच रही है कि यार ऐसा कुछ करो कि वापस ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये क्लियर स्ट्रैटेजी ही है जो अब वर्क नहीं कर रही है, ये चीज़ फैल गई है।